नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी द्वारा उत्तर प्रदेश से जुड़े लोगों से संवाद कर प्रदेश के विकास के विषय पर समीकरण तैयार कर चुनाव विषय पर चर्चा की गई। शहर में उत्तर प्रदेश के तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न कार्यों से जुड़े हैं। शहर में उत्तर प्रदेश के तकरीबन 1 लाख से अधिक लोग विभिन्न कार्यों से जुड़े हैं। बता दें, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सहित अन्य 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आयोजित होना है, लेकिन इन सभी चुनाव में उत्तर प्रदेश के चुनाव का समीकरण देश की राजनीति में अहम रोल निभाती है। इसी कड़ी में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा चुनावी माहौल को देखते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों को शहर में जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश से जुड़े तकरीबन 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में विकास को लेकर वहां पर रह रहे अपने लोगों से चर्चा कर उन्हें मोदी सरकार के विकास कार्यों के विषय में बताएंगे। पूरे मामले पर सांसद शंकर लालवानी का कहना था कि शहर में कई कार्यों में उत्तर प्रदेश के लोग काम आ रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। उन्हें एकत्रित कर उनसे जुड़े लोगों को आज यहां बुलाया गया है और उनसे उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा की गई। उसी विकास को लेकर अन्य लोगों से भी चर्चा की जाएगी, ताकि विकास पर ही उत्तर प्रदेश चुनाव जीतेगा और योगी सरकार फिर एक बार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ये चुनाव की तैयारी एक विषय है। मुख्य बात यह है कि चुनाव अभी अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, 5 राज्यों में है। आने वाले समय में यहाँ पर भी होंगे, 2 साल बाद लोकसभा के भी चुनाव होंगे। जो इधर के माध्यम से एक जो विषय आज ले जाने की कोशिश कर रहे थे वो ये है कि चुनाव चुनाव के मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। चुनाव समाज को बांट कर, समाज का विघटन करके, उसे छोटे छोटे टुकड़ों के वोट बैंक्स में बांट के, जातियों के आधार पर, हमारे यहाँ भी विषय चलते देखते हैं तो कभी वनवासी के आधार पर, कभी OBC के आधार पर, कभी अन्य आधार पर। आज इस 2022-21वीं सदी के का भी लगभग 1/4 पड़ाव हम पार कर चुके हैं। इस समय में ये वो मुद्दे नहीं है जो गवर्नेंस को तय करते हैं। तो एक आदत सभ्य समाज की सही मुद्दों पर चुनावी प्रक्रिया का आकलन करने की होनी चाहिए। और जो आपने कहा कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की बात करते हैं, तो इन्फ्लुएंस जो करना चाहते हैं, या मैं मेरी इच्छा से बता सकता हूँ, वो इन्फ्लुएंस यही है कि सही मुद्दों का आकलन कर, सही चीज़ों का आकलन कर, अपने छोटे मोटे भेदों को भूल कर और एक समग्र चिंतन कर कि समाज किस दिशा में जाना चाहिए, ये हमारा चुनाव के समय में चिंतन का विषय होना चाहिए। युवा एजुकेटेड देश में अब, और ये जो परिपाटी बन गई है कि सिर्फ जाति के आधार पर और अन्य आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, ये बदलना चाहिए। दूसरा ये था कि आज तो उत्तर प्रदेश के लोगों से आपके निवासी, इसके अलावा पंजाब में भी चुनाव है, गोवा में भी चुनाव है, वहाँ के संबंधित लोगों से भी चर्चा नहीं हुई। देखिये, जैसा अभी डॉक्टर द्विवेदी ने बताया, सांसद जी की पहल थी कि इस तरीके के लोगों से आज एक मुलाकात होगी। हम थोड़ा सा देश के परिदृश्य को देखेंगे तो अच्छे से ये समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं, ये जो बार बार हम विघटन, जाति के विभेद की बात करते हैं, इसकी मात्रा उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर ज़्यादा है। ज़्यादा इन चीज़ पंजाब मोटा, हालांकि अभी वहाँ पर भी अब ये काफ़ी सारा मामला किसान आंदोलन को लेकर था, दलित विषयों को लेकर था, यह होने लगा है, लेकिन जाति का विभेद उतना ज़्यादा वहाँ नहीं था। गोवा में ये वाले भेद पर बहुत ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार और बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, इस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग आप मान लीजिए 60-70% देश के इलेक्शन को और देश के इलेक्शन के माइंडसेट को, मानसिकता को प्रभावित कर लेता है। बड़ा राज्य होने के कारण इतिहास उठाकर देखेंगे तो बड़ी संख्या के सारे प्रधानमंत्री वहीं से हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री भी सांसद वहीं से हैं, तो प्रभावित तो करता ही है। और वहाँ पर ये भेद, ये जो एक परिपाटी चल रही है, ज़्यादा है। तो आज जो पहली पहल थी वो इस विषय को लेकर थी। अन्य लोगों से अगर चर्चा करने के लिए ऐसा विषय कोई रहेगा तो की जा सकती है। देखिए, पिछले दिनों में जब यहाँ उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे जो भाई बहन है उनसे जब मिलता हूँ तो उत्तर प्रदेश की बहुत गाथा गाते हैं कि बहुत परिवर्तन हुआ है। एक समय था बीमारों राज्य था देश में, अब विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ गुंडा राज था, अब हमने देखा कि गुंडा राज की समाप्ति हो गई। एक समय था जब गुंडे पुलिस के पीछे भागते थे, अब पुलिस गुंडों के पीछे भागती है और गुंडों को भगाती है। ऐसा बीमारू राज्य विकसित राज्य के रूप में विकसित हुआ है और बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। जो वहाँ से आते हैं वहाँ की तारीफ करते हैं। हाल ही में मैं, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, इनके यहाँ शादी में मैं बारात आई थी तो इनसे पूछा था
तो बोले बहुत सारा परिवर्तन आ गया है और हम चाहते हैं फिर से मोदी जी केंद्र में नेतृत्व में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की जो भावना है वो प्रदर्शित करने के लिए जो उत्तर प्रदेश से जो हमारे भाई बहन यहाँ निवास करते हैं या जिनके रिश्तेदार वहाँ पर हैं या जिनका व्यापार व्यवसाय है, जैसे अभी मैं एक मिठाई वाले की दुकान पर गया था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ का जो कारीगर है वो लगभग 300-400 कारीगर इंदौर में मिठाई की दुकानों पे काम करते हैं, चने भुनने वाले हैं, जो ठेलों पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग यूपी से आए, उनके रिश्तेदार अभी भी यूपी में वो जाते रहते हैं और उनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि वापस वहाँ आए। तो उनके प्रतिनिधियों, क्योंकि कोविड का समय है, एक एक संस्था के एक एक प्रतिनिधियों को हमने बुलाया, फिर हम उसकी बैठ के उनके साथ बैठ के करेंगे। जैसे मिठाई वालों के 300 लोग हैं तो उनके साथ अलग से बैठेंगे, चने भुनने वाले या ठेले पे जो काम करने वाले उनके साथ अलग है, एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे युवा साथी हैं उनसे भी बात हुई, उनकी अलग बैठेंगे। तो आज उनके एक एक प्रतिनिधि को बुला के आज हम चर्चा करेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार यूपी में विकास की बात हो उस बात को लेके वो सरकार बननी चाहिए जिन्होंने विकास किया है उसको लेके बात करेंगे। आज उसी के प्रति आज एक छोटी बैठक रखी गई है, आने वाले समय में और बैठके भी रखेंगे। देखिए अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत है, हम तो चाहते हैं विकास में जो जो साथ दें उनका स्वागत है। कितने लोग होंगे? डॉक्टर साहब कितने होंगे इंदौर में? होंगे 30-40 हज़ार लोग ऐसे जो अलग अलग क्षेत्रों में, लाख के ऊपर होंगे, लाख के ऊपर प्रदेश से। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली सब लोग बिखरे हुए हैं तो ये अब आज जो एक शुरुआत हुई है ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के जितने लोग होंगे उनके बारे में बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से, क्योंकि ये संगठित नहीं है तो ये पहली बार ऐसा मौका आया है जब यूपी के लोग जो यहाँ आए वो संगठित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और